रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 9 के मंच से बड़ी खबर आ रही है। शो के 2 कंटेस्टेंट पर मुसीबत आन पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगर आदित्य नारायण और बिग बॉस फाइनलिस्ट विकास गुप्ता की। मिल रही जानकारी के मुताबिक आदित्य नारायण इस समय अस्पताल में हैं और अपनी आंख का इलाज करा रहे हैं, जबकि विकास गुप्ता को सांप ने काट लिया है। हालांकि दोनों ही प्रतियोगी अब बिल्कुल ठीक हैं। आपको बता दें कि रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 9 की शूटिंग अर्जेंटीना में चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खतरनाक स्टंट करते हुए आदित्य नारायण को आंख में चोट लग गई और कॉमेडियन भारती सिंह को बचाने के चक्कर में विकास गुप्ता को सांप ने काट लिया। शूटिंग के दौरान मेकर्स प्रतियोगियों को स्टंट करते हुए पूरी तरह से सिक्योरिटी देने में नाकामयाब हो रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी इस तरह की घटनाओं के सामने आने से खुश नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मेकर्स की तरफ से प्रतियोगियों को ज्यादा सुरक्षा उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। हमारी न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमें रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 9 के मंच से बड़ी खबर आ रही है। शो के 2 कंटेस्टेंट पर मुसीबत आन पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगर आदित्य नारायण और बिग बॉस फाइनलिस्ट विकास गुप्ता की। मिल रही जानकारी के मुताबिक आदित्य नारायण इस समय अस्पताल में हैं और अपनी आंख का इलाज करा रहे हैं, जबकि विकास गुप्ता को सांप ने काट लिया है। हालांकि दोनों ही प्रतियोगी अब बिल्कुल ठीक हैं। आपको बता दें कि रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 9 की शूटिंग अर्जेंटीना में चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खतरनाक स्टंट करते हुए आदित्य नारायण को आंख में चोट लग गई और कॉमेडियन भारती सिंह को बचाने के चक्कर में विकास गुप्ता को सांप ने काट लिया। शूटिंग के दौरान मेकर्स प्रतियोगियों को स्टंट करते हुए पूरी तरह से सिक्योरिटी देने में नाकामयाब हो रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी इस तरह की घटनाओं के सामने आने से खुश नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मेकर्स की तरफ से प्रतियोगियों को ज्यादा सुरक्षा उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। हमारी न्यूज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमें